वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे विकास की अवस्थाएं। बच्चे जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरने तक उसकी विकास होता रहता है, तो उसी के बहुत सारे विकास के काल होते हैं, खंड होते हैं और उसकी अवस्थाएं होती है। उसी अवस्थाओं के बारे में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहला अवस्था जो है ये है पूर्व प्रसूति काल, यानी कि पूर्व प्रसूति काल, यानी कि पूर्व प्रसूति काल, यानी कि जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, यानी गर्भ से लेकर जन्म तक, यानी कि जब भी गर्भ रहता है बच्चे अपने माँ के पेट में, तो माँ के पेट में गर्भ से लेकर जन्म तक उस काल को हम कहते हैं पूर्व प्रसूति काल, यानी कि पूर्व प्रसूति काल। ठीक है, अगला हम देखते हैं शेषावस्था। कौन सा अवस्था? शेषावस्था। शेषावस्था कब होते हैं? जन्म से लेकर दो वर्ष तक, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेकर दो वर्ष तक उस अवस्था को हम कहते हैं शेषावस्था कहते हैं। और ये तीन जो तीसरा है हमारा है बाल्य अवस्था। बाल अवस्था यानी कि अर्ली होता है, और ये बाल अवस्था को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी को कहते हैं हम अर्ली और दूसरे को कहते हैं लेटर। अर्ली का मतलब होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, और लेटर का मतलब होता है उत्तर बाल अवस्था। तो प्रारंभिक यानी कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो दो से लेकर के छः वर्ष तक के एज को कहते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था। और जो लेटर यानी कि उत्तर बाल अवस्था होता है, लेटर चाइल्डहुड होते हैं, वो तो 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, अगला है हमारा चौथा, मतलब कि चौथा अवस्था जो किशोरावस्था होता है। जब बच्चे यानी कि 12 साल से 18 साल के बीच में होता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, यानी कि किशोर बोला जाता है 12 से लेकर 18 साल के बीच में। युवावस्था, युवावस्था क्या होते हैं? युवा अवस्था होते हैं जो 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में होता है, यानी कि युवा 18 से 25 तक के बीच में जो भारत में होते हैं उसे हम युवावस्था बोलते हैं। प्रौढ़ अवस्था, कौन सा? प्रौढ़ अवस्था। एक बार आपको ध्यान दें, युवावस्था 18 से 25 तक है, लेकिन अभी मॉडर्न यानी कि आधुनिक काल में हम 25 से लेकर 30 तक, यानी 18 से लेकर 30 तक को युवावस्था मानते हैं, युवावस्था को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला है प्रौढ़ अवस्था। कौन सा? प्रौढ़, यानी कि 30 से लेकर 60 तक, इसको प्रौढ़ अवस्था बोला जाता है, जो 30 से लेकर 60 की एज में होता है। उसके बाद है ना सातवां जो है वृद्ध अवस्था, यानी कि वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था क्या होता है? 60 से लेकर डेथ तक, यानी कि 60 से लेकर डेथ तक व्यक्ति को वृद्धावस्था यानी कि वृद्धावस्था बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सारे बहुत सारी अवस्थाएं हैं, और इनमें से बहुत सारे तीन ऐसी अवस्थाएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि शेषावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया।